नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानीमी में। आज हम बात करेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, जिससे हम पास्ट देख सकते हैं। जी हाँ, जिससे हम पास्ट देख सकते हैं। पर इससे पहले कुछ बातें और समझ लेते हैं। 24 अप्रैल 1990 में साइंटिस्ट ने एक टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था, जिसका नाम उन्होंने हबल टेलीस्कोप रखा, जिससे उन्होंने ये दावा किया था कि हम लोग अपने बीते कल को देख सकते हैं, मतलब हम लोग अपने पास्ट को देख सकते हैं। पहली चीज जो हबल टेलीस्कोप की मदद से हमें पता चली वो ये कि मोर देन 100 बिलियन गैलेक्सीज आर प्रेजेंट इन अवर यूनिवर्स। इन 1996 हबल टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा गया और ये पता चला कि स्पेस के एक छोटे से पार्ट में 3000 गैलेक्सी से ज़्यादा गैलेक्सीज हैं, करोड़ों सन हैं, करोड़ों सोलर सिस्टम है और बहुत सारे प्लैनेट हैं हमारे अर्थ प्लैनेट की तरह। हबल टेलीस्कोप से हमें और भी काफ़ी बातें पता चली और देखने को मिली। दिस टेलीस्कोप ऑल्सो सेंड अस वेरी क्लियर इमेजेस, जिसमें हम साफ देख सकते हैं सैटर्न प्लैनेट के 3 मून आउट ऑफ टोटल 82 मून। साइंटिस्ट का कहना था कि हम इस हबल टेलीस्कोप से 13.4 बिलियन ईयर पास्ट में झांक सकते हैं। जी हाँ, 13.4 बिलियन ईयर्स पास्ट में। और इसके बाद हाल ही में 25 दिसंबर 2021 में साइंटिस्ट ने एक और टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी हबल टेलीस्कोप से, जिसका नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप रखा गया। इस टेलीस्कोप को बनाने में टोटल 75,000 करोड़ का खर्चा आया, यानी 75,000 करोड़। जेम्स वेब टेलीस्कोप को इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस भी कहा जाता है। इस टेलीस्कोप पर टोटल 18 मिरर्स लगाए गए हैं और उनके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग की गई है, यानी सोना चढ़ाया गया है। बेसिकली दिस टेलीस्कोप डिटेक्ट्स द इंफ्रारेड लाइट इन स्पेस। जेम्स वेब टेलीस्कोप को अर्थ से 1 मिलियन माइल्स दूर भेजा गया, यानी अर्थ से जितनी दूर मून है उससे भी ज़्यादा दूर भेजा गया। इस टेलीस्कोप को सर्वाइव करने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए होता है और इसका टेम्परेचर कम रखने के लिए 5 टेनिस कोर्ट जितनी बड़ी फॉइल लगाई गई, जिससे मिरर हमेशा कम टेम्परेचर पर है। जो फॉइल सन की साइड रहती है उसका टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी 110 डिग्री सेल्सियस रहता है। 110 डिग्री सेल्सियस का मतलब पानी 1 सेकंड में भाप में बदल जाएगा, मतलब वाटर वेपर्स में बदल जाएगा। और इस टेलीस्कोप की 5th फॉइल की साइड टेम्परेचर -233 डिग्री सेल्सियस रहता है। और आपको बता दूं कि अर्थ के किसी भी कॉन्टिनेंट के किसी भी पॉइंट पर इतना कम टेम्परेचर नहीं रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 पतली फॉइल ने अप्रॉक्स 400 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया, जिससे हमारे साइंटिस्ट को काफ़ी मदद हुई। इसके बाद जो साइंटिस्ट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो ये है कि इतने बड़े टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा कैसे जाए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी थी और रॉकेट में एज इट इज़ आ नहीं सकती थी। इसलिए साइंटिस्ट ने ओरिगामी मेथड का यूज़ किया। ओरिगामी मेथड वो मेथड है जिससे हम बचपन में पेपर फोल्ड कर करके नई नई चीज़ें बनाया करते थे और खेला करते थे, कभी प्लेन बनाया करते थे, कभी कुछ और बनाया करते थे। ठीक उसी तरह इस टेलीस्कोप को भी फोल्ड करके रॉकेट से भेज दिया गया स्पेस में। और फिर इस फोल्डेड टेलीस्कोप को स्पेस में अनफोल्ड होने में अप्रॉक्स 90 डेज का वक्त लगा, मतलब लगभग 3 महीने लगे। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर इस टेलीस्कोप को स्पेस में ही क्यों भेजा गया, अर्थ पर ही क्यों नहीं यूज़ किया गया? तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है, बिकॉज ऑफ अर्थ एनवायरनमेंट, एंड ऑन अर्थ वी कैन नॉट सी दैट मच क्लियर इमेजेस दैट वी यूज टू सी टुडे। तो बेसिकली हम इस टेलीस्कोप की मदद से पास्ट में देख सकते हैं कि हमारे प्लैनेट, मून, स्टार किस तरह बने थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने फॉर्मेशन ऑफ मून के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस टेलीस्कोप की मदद से हम लोग पास्ट में देख सकते हैं, लेकिन पास्ट में जा नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम लोग फ्यूचर में जा सकते हैं। अगर हम काफ़ी स्पीड में अर्थ से बाहर निकल जाते हैं तो हमारे लिए टाइम स्लो मूव करेगा एज़ कम्पेयर टू अवर रिलेटिव विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। और जब आपके स्पेस में 10 साल पूरे होंगे तो अर्थ पर 100 साल पूरे हो चुके होंगे, और जब आप 10 साल बाद वापस आएंगे अर्थ पर तो आपकी एज उन सब लोगों से काफ़ी कम होगी जो अर्थ पर रह रहे थे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।